औरत हुआ है काशी विश्वनाथ का, क्या कहना चाहेंगे और आपका रोल जो है करना चाहेंगे? जी सबसे पहले तो मैं आपकी बधाई पे धन्यवाद अदा करता हूँ। ये सीरियल काशी विश्वनाथ है। जैसा कि आपको सबको पता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है जिसकी कहानी पर आधारित शिव की कथाएं हैं, और मैं इसके अंदर ब्रह्मदेव का रोल निभा रहा हूँ। मेरा नाम सुनील नागर है, मैंने एक्टिंग में मास्टर्स डिग्री की हुई है और पिछले 20-25 सालों से काफ़ी सीरियल्स कर चुका हूँ, ओम नमः शिवाय, कृष्णा, महाबली, हनुमान और भी बहुत सारे। अभी भी मैं ये है चाहते हैं बालाजी का कर रहा हूँ, तो इसमें मैं ब्रह्मा का किरदार निभा रहा हूँ। और आप पूछिए, काशी विश्वनाथ जो है इसके बारे में बताएं कि धार्मिक सीरियल है या? इसे प्योर धार्मिक सीरियल, पूरा रिलीजियस है। और चूँकि अभी तक शिव पे जो भी सीरियल बने उसमें शिव का पर्टिकुलर जो शिव मत मानते हैं उसके हिसाब से शिव और शक्ति दो हैं, वहाँ से अर्धनारीश्वर से दुनिया का सृजन हुआ है। तो शिव ने विष्णु को जन्म दिया, फिर विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकले, और ये सीरियल भी शायद वहीं से शुरू करेंगे हम कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, सारी सृष्टि बनाई, फिर उन्हीं के अंगूठे से दक्ष प्रजापति प्रकट हुए, ब्रह्मा जी के पुत्र और ब्रह्मा जी के ही मानस पुत्र नारद हैं। तो काशी विश्वनाथ पर्टिकुलर जो ज्योतिर्लिंग है उसकी कथा पे ही केंद्रित ज़्यादा होगा, और उसके बारे में अभी तक ज़्यादा बताया नहीं गया है क्योंकि इन जनरल ही शिव जी पे सीरियल बने हैं। ओम नमः शिवाय में भी 12 ज्योतिर्लिंग बताए थे, लेकिन इसमें पर्टिकुलर काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी को बहुत अच्छी तरीके से बताया जा रहा है। उसके लिए बहुत अच्छे क्रिएटिव डायरेक्टर्स भी हैं, राइटर्स की टीम भी है, शोध भी अच्छा हुआ है, और चूँकि अब बन रहा है, बिल्कुल अपडेटेड है, तो क्रोमा, स्पेशल इफ़ेक्ट, डिजिटलाइजेशन, ये भी सब बिल्कुल लेटेस्ट और अपडेटेड होगा। नेक्स्ट वीक तक इसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल। ऐसा है, काशी विश्वनाथ की कितनी इम्पोर्टेंस है वो हर एक भारतीय जानता है। शक्तिपीठ और काशी शहर अपने आप में, मतलब संसार का सबसे पुराना शहर कहें तो कोई इसमें दोराय नहीं होगी। एक लौता शहर जिसके तीन तीन नाम हैं, काशी, बनारस और तीसरा वाराणसी। हमारा तो लगातार काशी विश्वनाथ मंदिर में भी जाना होता है, और वाकई में हम वहाँ पे वो ऊर्जा महसूस करते हैं, दिव्य ऊर्जा। और अगर सच्चे श्रद्धा भाव से जाओ तो आपकी सब समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाता है। हमारा पूरा मतलब इन पे विश्वास है, और हमारा सौभाग्य है कि हमें इस सीरियल में एक अच्छा रोल करने का मौका मिल रहा है। किस तरह की भूमिका है आपकी? सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों से कहानी शुरू हो गई, तो ब्रह्मा का रोल मैं कर रहा हूँ। मेरा नाम दीपक दत्त शर्मा है। क्या है ये जो हमारे ऐतिहासिक सीरियल है, लोग माइथोलॉजिकल बोलते हैं, हमें माइथोलॉजिकल मिथ शब्द अच्छा नहीं लगता, हम तो इसको सच्चाई मानते हैं। तो देवी देवताओं वाले सीरियल्स में मैंने बाल कृष्णा, अभी राधा कृष्णा जो हिट चल रहा है उसमें भी किया दुर्वासा, बाल कृष्णा में शुक्राचार्य किया, संकट मोचन महाबली हनुमान में मैंने विशर्वा ऋषि रावण के पिता का किया, और भी कई सीरियल्स किए माइथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल भी बहुत किए, लेकिन देवी देवताओं के ये कुछ सीरियल्स हैं जो मैंने किए हैं और मुझे बड़ा आनंद आया करते हुए। थैंक यू।
बड़ा छोटा रहा। थैंक यू। जी मेरा नाम विंध्या तिवारी है और मैं काशी विश्वनाथ में पार्वती सती का रोल प्ले करूँगी और बहुत खुशी है क्योंकि ऑब्वियसली ये मेरा पहला माइथो शो है और मैं खुद बनारस से हूँ, काशी से हूँ, तो मेरे लिए ये और भी सौभाग्य की बात है कि ऐसे एक शो में मुझे पार्वती जी का रोल करने का अवसर मिलेगा। तो बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ दिलीप जी के। जी जी इसकी शूटिंग बहुत जल्द स्टार्ट होगी। मेरा जो किरदार है वो ऑब्वियसली काशी विश्वनाथ और शिव जी के साथ में हम लोग प्लान कर रहे हैं, लेकिन होगा वो बॉम्बे में ही, तो वो मेरे ख्याल से 10 दिन के बाद शुरू हो जाएगा। और दिलीप जी के साथ ही मेरा दूसरा शो होगा एक्चुअली, जो उसके पहले रणभेरी शो था उसमें मैंने जो मुख्य भूमिका निभाई थी, तो उसके बाद आई थिंक हम खुद 4 या 5 साल के बाद फिर से काम कर रहे हैं साथ में। तो बस बहुत बहुत खुशकिस्मत समझ रही हूँ बिकॉज़ इस शो को सबसे पहले हाँ करने का मेरा रीज़न यही था कि काशी विश्वनाथ जैसे सब्जेक्ट को मैं डेफिनेटली मिस नहीं करना चाहती और डेट्स भी बहुत ही अच्छे से मैनेज हो रही हैं। दिलीप जी के साथ मेरा एक बहुत ही अच्छी यू नो कंपैटिबिलिटी है एज अ प्रोड्यूसर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो दैट इज़ वेरी वेरी गुड। एंड ऑफकोर्स मैं हमेशा, ये मेरा फेवरेट डायलॉग है एक्चुअली, मैं बनारस से हूँ, काशी से हूँ, तो मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि जहाँ पर लोग मरने के लिए तरसते हैं उस जगह से मैंने जीना सीखा है। तो जब मुझे ऐसी एक कोशिश करने को मिली कि मैं काशी के लिए कुछ कर पाऊँ तो डेफिनेटली मैं वो करना चाहती हूँ और बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि अपने पूरे जीवन काल में मुझे लगता है हर एक एक्टर को ऐसी भूमिका ज़रूर निभानी चाहिए जो कि आपके जहाँ से आप हैं वहाँ पे उस चीज़ को बहुत उजागर करे। तो आई एम वेरी वेरी एक्चुअली ग्रेटफुल टू दिलीप जी कमलाश्री फिल्म्स कि वो हमेशा जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो मुझे हमेशा याद करते हैं एंड ही मेक श्योर, और उन्होंने मुझे धमकी भी दी थी कि अगर आपने ये शो नहीं किया तो मैं पूरी मीडिया में ऐसा बोलूँगा कि विंध्या ने डेट्स के लिए और बजट के लिए ये शो नहीं किया, और सब लोग फिर बोलेंगे कि काशी की रहने वाली और उसने ये शो नहीं किया। तो उन्होंने मुझे लिटरली, जब हमारी मीटिंग हो रही थी तो हमारी धमकी भरी उन्होंने मीटिंग दी थी कि यू हैव टू डू इट बिकॉज यू आर फ्रॉम काशी। सो आई सेड लाइक यह आई विल डेफिनेटली डू इट। आप लोगों ने मुझे कुछ दिनों पहले अभी कन्वर्जन फिल्म में देखा होगा जो कि काफ़ी सोशल मैसेज के साथ आई थी वो फिल्म। इंडिया में बहुत कम थिएटर्स मिले थे लेकिन थिएटर रिलीज़ हुई थी और अच्छी उसको IMDb पे अच्छी रेटिंग भी मिली है, और वो फिल्म साक्षी द कन्वर्जन नाम से UK, US और कैनेडा में भी रिलीज़ हुई जहाँ पर वो फिल्म हाउसफुल रही थी, तो वहाँ पर उसे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो फिल्म किसी अच्छे OTT पे आ सके सो दैट सब लोग उस फिल्म को बहुत अच्छे से देख पाएँ। एंड आप लोगों ने लास्ट ईयर मेरी एग्जिट वेब सीरीज़ देखी जो कि अभी जियो सिनेमा पे है, अगर आप लोगों के पास, अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिए जियो, जो कि मैंने एज अ लीड की है। और अभी मेरा एक बहुत ही बड़ा म्यूज़िक वीडियो भी लॉन्च होने वाला है जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेफिनेटली हम मुलाकात करेंगे। एंड मैं 2 और वेब सीरीज़ कर रही हूँ और एक फ़िल्म कर रही हूँ साउथ की जो ऑलरेडी साइंड है, तो वो तमिल तेलुगू में कर रही हूँ, और इसी साल कॉन्ट्रैक्ट भी रिलीज़ हुई है जो कि अर्जुन सरजा और JD चक्रवर्ती के साथ में है जो कि हैदराबाद में इसका काफ़ी अच्छा प्रीमियर वगैरह हुआ था, तो वो भी रिलीज़ हुई है। तो काफ़ी कुछ महादेव की कृपा है और अच्छा हो रहा है सब कुछ, और मैं चाहती हूँ कि इस शो में भी मैं लोगों का दिल जीतूँ हर बार की तरह, एंड आप लोग अपना बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद मुझे दीजिए। थैंक यू सो मच। हाँ बिल्कुल ये सब लगे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, सबसे पहले आप सबको, हम सबको बहुत बहुत बधाई क्योंकि गणपति बप्पा मोरिया चल रहे हैं, और इस बार जो गणपति जी हैं वो राधे कृष्ण के रूप में हैं। सो दिल से एक बार हम सब पहले बोलेंगे, बोलो गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, राधे राज बिहारी लाल जी की राधे राधे। सो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, और जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा ये जो सीरियल है काशी विश्वनाथ,
ये पहली बार इस तरह से ये जो सीर भोलेनाथ जी के ऊपर बनने जा रहा है, ये पूरी हिस्ट्री जो है ना काशी विश्वनाथ की, वो उजागर होने जा रही है। तो लोगों को पता चलेगा कि काशी विश्वनाथ क्या है, किस तरह से शिवलिंग की स्थापना हुई, किस तरह से काशी नगरी की स्थापना हुई, जिसे कि आप सबको पता है कि काशी नगरी जो है वो भगवान भोलेनाथ जी के त्रिशूल की नोक पर स्थित है और सबसे ऊपर है। सो आप लोग अगर कुछ पूछना चाहें, ये तो मैंने अपनी तरफ से कुछ बता दिया। देखिए, हमारी जो भूमिका है, हम सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे कि हम कमला श्री फिल्म से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, इनके साथ बहुत सारे काम किए। इससे पहले का जो सीरियल है परशुराम भी किया, उसके पहले लाल रेखा की, एक दो वेब सीरीज़ की, तो बहुत समय से जुड़े चले आ रहे हैं। इसमें जो रोल है वो अभी बहुत ज़्यादा मैं उसको एक्सप्लोर नहीं करूँगा, क्योंकि ये जो रोल है ये थ्रू आउट चलने वाला रोल है। तो विश्वनाथ जी के रूप में कहाँ किस रूप में आते रहेंगे ये थोड़ा समय बाद एक्सप्लोर करेंगे। बहुत सी चीज़ें हैं जिनको अभी डिस्क्लोज करना बाकी है, तो थोड़ा सा इंतज़ार और उसके बाद फिर। और कोई कुछ पूछना चाहे शो के बारे में, काशी विश्वनाथ जी हैं, प्लीज़ प्लीज़ पूछिए। किसी का कोई सवाल? अच्छा, कुछ भी मन में किसी के कोई कि काशी विश्वनाथ क्या है, ये सीरियल किस तरह का है, किस चीज़ के ऊपर है, वगैरह वगैरह। आपका जो है क्या अनाउंसमेंट, कब से शूटिंग? ये जल्दी से होने वाली है, और कुछ एक पोर्शन है जो आज भी शूट करना है, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि बहुत सारे जो रोल्स भी हैं इसमें बहुत अच्छे कलाकार और जुड़ने वाले हैं, धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। और हमारी तरह से मैं हूँ, आप लोगों को पता ही होगा कि मैं भी काफ़ी समय से काम करता आ रहा हूँ। सो धीरे धीरे सबसे बड़ी बात जो है वो यही है कि हमारे भोलेनाथ जी के ऊपर आप लोगों ने कई सीरियल देखे होंगे, ओम नमः शिवाय है, हर हर महादेव हैं, अभी भी शिव शक्ति चल रहा है, इस तरह के बहुत सारे सीरियल्स हैं। लेकिन काशी विश्वनाथ भोलेनाथ जी का सीरियल ये पूरी हिस्ट्री लिए आएगा पहली बार। पहली बार सबको ये पता लगेगा ये जो ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ जी का, इसकी स्थापना से लेकर काशी विश्वनाथ की जो नगरी है, और भी इतने सारे पहलू हैं इसमें कि मैं अभी क्योंकि डिस्क्लोज नहीं कर सकते, शुरुआत है। लेकिन धीरे धीरे आप सबको सब बातें पता चल जाएंगी कि किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती जाती हैं। थैंक यू सर। बोलो काशी विश्वनाथ महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष सिंह है और आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और काशी विश्वनाथ के मुहूर्त के उपलक्ष्य में आप लोग यहाँ पर हैं, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। तो काशी विश्वनाथ से जुड़ना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो हमारा ये कमला श्री फिल्म है, इससे मैं पहले भी परशुराम के जरिए जुड़ चुका था, जहाँ पर मैं शुक्राचार्य का रोल प्ले कर रहा था, और यहाँ पे मैं सप्तऋषि में से एक विशिष्ट का रोल प्ले कर रहा हूँ। और मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात, इन्होंने दोबारा मुझे इसमें चांस दिया। और वैसे मैं बता दूँ कि मेरी कुछ शॉर्ट फिल्में जो कि हॉटस्टार पर अवेलेबल है, उनको तकरीबन 151 अवार्ड मिल चुके हैं, और मुझे बतौर बेस्ट एक्टर 41 अवार्ड्स मिले हैं। और मैं दिलीप जी का और रंजीत जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और विषय वस्तु ये जो है काशी विश्वनाथ का, ये अपने आप में थोड़ा अनछुआ है, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग ये है। और इसके विषय में बात करना और इसकी गहराइयों के बारे में और लोगों को बताना, क्योंकि जनरली आप देखा जाए तो आजकल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है या बाकी जो जनरेशन्स हैं, उनको रामायण और महाभारत की भी अंदर डिटेलिंग्स पता नहीं है। लेकिन जब आप बात करते हैं काशी विश्वनाथ की, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और किस तरीके से हमारा जो माइथो है, हमारा जो पुराण है, उसके संदर्भ में बच्चों को युवाओं को जानना भी बहुत आवश्यक है, और बुज़ुर्ग भी जिनको और डिटेल पता नहीं है, जो पढ़ नहीं सकते। बेसिकली आजकल क्या है कि हम विजुअल माध्यम से कनेक्ट करते हैं, तो पढ़ने की बजाय देखना पसंद करते हैं। तो देखने के माध्यम से ये एक बहुत बड़ी बात है जो कमला श्री फिल्म्स ने काशी विश्वनाथ के रूप में हम लोगों के लिए, आम जनता के लिए ला रहे हैं। और एज एन एक्टर भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस माइथोलॉजिकल सीरियल से,
और मैं आशा करता हूँ कि आम लोग भी सीख पाएंगे, और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरा नाम काजोल भडाना है और मैं इसमें दक्ष जी की वाइफ वर्णी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। नमस्कार, मेरा नाम अनु थापा है और मैं इसमें गंगा माता का कैरेक्टर रोल प्ले कर रही हूँ। नमस्ते, मेरा नाम ग्रुषा मंध्यानी है और मैं वाराणसी की देवी, दो देवियां हैं उसमें से एक देवी है देवी असी, उसका रोल प्ले कर रही हूँ। नमस्कार, मेरा नाम किया दीवान है और मैं वर्णा का कैरेक्टर कर रही हूँ वाराणसी देवी पे, जो वाराणसी देवी का है। काफ़ी एक्साइटेड है, स्टोरी जानने के लिए भी हम बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि हमें मतलब मुझे पूरी स्टोरी तो पता नहीं है काशी विश्वनाथ जी की, तो एक्साइटमेंट तो है। मैं सच में बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं महादेव भक्त हूँ, तो महादेव की स्टोरी पर, महादेव की कथा में मुझे एक अच्छा कैरेक्टर प्ले करने के लिए मिल रहा है और काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। और जैसा कि काशी विश्वनाथ जी के ऊपर है, तो काशी विश्वनाथ जी ज्योतिर्लिंग है, जो कि सबसे पहले ज्योतिर्लिंग है, तो मतलब बहुत ज़्यादा खुशी है, मतलब कैसे बताऊँ, बता नहीं सकती वर्ड्स में, इतनी खुशी है। थैंक यू। नहीं, मैंने इससे पहले काफ़ी काम किया है, मैंने तनु लक्ष्मण रिटर्न्स में कंगना की दोस्त का कैरेक्टर प्ले किया है पिंकी, उसके अलावा मैंने स्टार प्लस का एक सीरियल किया था आपकी नजरों ने समझा, उसमें मेरा जीनियल का कैरेक्टर था। काफ़ी शॉर्ट फिल्म्स किए हैं, काफ़ी एड्स किए हैं, अभी एक मूवी की है अजमेर 92, उसके अलावा अभी भी कुछ कुछ चल ही रहा है। जी, काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद हम फाइनली फ्लोर पर आ रहे हैं, और जैसे कि मैं भी महादेव जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ, तो मुझे बहुत खुशी है कि हम ये शो कर रहे हैं और मैं गंगा माता का रोल भी प्ले कर रही हूँ। मुझे दिल से बहुत ज़्यादा खुशी है। जैसे कि कहा जाता है कि काशी मोक्ष की प्राप्ति के लिए जाया जाता है, तो ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि हम ये शो कर रहे हैं और इसकी कहानी को लोगों तक पहुँचा रहे हैं। जी, ये मेरा पहला सीरियल है और ये माइथो से मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ अपनी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वर्णा देवी का कैरेक्टर है, तो इसके साथ में मुझे भी पता चलेगा कि वर्णा देवी का क्या सीन था, तो इसे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि मैंने बोला, मैं भी स्टोरी जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मेरी मम्मी स्पिरिचुअलिटी में है बहुत ज़्यादा, तो वो भी बहुत खुश हुई है कि मुझे इस चीज़ में मिला है, क्योंकि ये मेरा फ़र्स्ट माइथो शो है। ऐसे मैंने सीरियल्स वगैरह किए हैं, बट माइथोलॉजी में मेरा ये फर्स्ट शो है, बाकी मैंने सीरीज़ में काम किया है, एड्स वगैरह में भी किया है, सो रियली वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू। थैंक यू। मेरा नाम शिव यादव है और ये काशी विश्वनाथ एक जो सीरियल हम लोग कर रहे हैं, वो बेसिकली मैं काशी से हूँ, तो इसको ज़्यादा अच्छे से समझ सकता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ और लोगों को बता भी सकते हैं, और उस कैरेक्टर को भी अच्छे से निभाया जा सकता है जो कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ। तो बेसिकली मैं भृंगी ऋषि का कैरेक्टर कर रहा हूँ, जो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त होते हैं, और कोशिश करेंगे कि काफ़ी अच्छे से उसको निभा पाएँ, कर पाएँ, यही है। मेरा नाम विहान है, मैं अहमदाबाद रहता हूँ और मैं ये रोल प्ले कर रहा हूँ कि मैं सेम ही एज का ऊपर बड़ा नहीं हुआ, उस सेम एज में मैं पांच रोल निभा रहा हूँ। हाँ, बहुत किए, तेरी मेरी डोरिया, घूमे किसी के प्यार में, और मूवी भी बहुत की है।
योद्धा बुशर्ट टी शर्ट रॉक एंड ड्रेस एंड तेरी मेरी बुशर्ट रॉक एंड ड्रेस पार्ट थैंक यू ओके थैंक यू नमस्कार मेरा नाम गोपाल वर्मा है और काशी विश्वनाथ को लिखने की मेरी कोशिश है प्रयास कर रहा हूँ शायद भगवान सदाशिव उन्हें सदाशिव ही बोलना चाहिए शिव जी तो हैं ही हैं तो सदाशिव जी के चरणों में कुछ समर्पण करने की कोशिश कर रहा हूँ उसका राइटर हूँ और इनकी बहुत सारी कथाएं हैं जो अभी तक बहुत जगह सीरियल्स आए हैं उनमें कहीं दिखाई नहीं गई और इसकी इस सीरियल की विशेषता ये है कि शिव की सारी लीलाओं को जोड़ते हुए काशी से संबंधित वो लीलाएं हैं जो अभी तक कभी चित्रित नहीं की गई इस सीरियल के माध्यम से लोग जानेंगे कि एक तो शिव का असली रूप जानेंगे दूसरा काशी से उनका क्या संबंध है काशी और ये माना गया है कि वो पृथ्वी से जुड़ी हुई नहीं प्रलय के समय भी पृथ्वी से ऊपर रहती है तो वो फिर कैसे पृथ्वी पे आई है कैसे उसका विस्तार हुआ है कैसे वो आज के ज़माने तक आई है पौराणिक काल से लेके आज तक उसका पूरा गहन अध्ययन करके गहन रिसर्च करके कुछ पंडितों से कुछ कुछ आशीर्वाद लेके और ये प्रयास किया है मैंने और बाकी जैसी शिव की इच्छा जैसी शिव जी की इच्छा तो इतना ही नमस्ते जी मैं स्वयं काशी विश्वनाथ से के दरबार से ही हूँ और मेरे जिम्मे इसका थोड़ा सा शोध कार्य मुझे सौंपा गया है कि पौराणिक कथाओं में किसी भी प्रकार का कोई विवादास्पद कोई चिन्ह न रह जाए ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और उसके साथ साथ मैं सप्त ऋषियों में एक प्रमुख ऋषि जो हैं वशिष्ठ उनकी भूमिका भी कर रहा हूँ धन्यवाद